बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप में से वो स्टूडेंट्स, देखो अभी तक हमारे पास दो यूनिट्स हैं जो हुए हैं, यूनिट नंबर 2 हुआ है और यूनिट नंबर कौन सा हुआ है, 3 हुआ है। यूनिट नंबर 1 मैंने कराया नहीं था सिरे से। यूनिट नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन आज स्टार्ट करा रहा हूँ। अब आप में से मुझे अंदाज़ा है कि एक तादाद है बच्चों की कि जो बाद में आके बैठी है, बाद में इस सेंस में कि यूनिट नंबर, कुछ बच्चे ऐसे थे 2 में मौजूद नहीं थे। यूनिट नंबर 2 जब मैंने स्टार्ट कराया था तो फिर तो बहुत ही कम बच्चे थे उस वक्त। फिर यूनिट नंबर 3 में और मजीद बच्चे आए, फिर यूनिट नंबर 3 के बीच में बच्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब जब तक ना, याद रखिएगा, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होता, आप थोड़े बहुत क्या रहते हो, कन्फ्यूज रहते हो। अब आज से जैसे ही नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो वो स्टूडेंट्स के जो अभी आए, कुछ दिन पहले आए या कुछ हफ्ते पहले आए, छोड़ें, चिल मारें तमाम चीज़ों को, सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा फोकस जो करें वो यूनिट नंबर किस पे कर लें, 4 पे कर लें, और यूनिट नंबर 4 से प्रॉपर वे में याद करना शुरू कर दें। एंड दैट्स इट। आप यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 की टेंशन छोड़ दें, क्योंकि पूरा का पूरा प्रॉपर बैकअप आपको मिल जाना है। फिर जब टेस्ट लूंगा तरीके से आपको समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। यूनिट नंबर 4 से लेकिन कोशिश कीजिएगा कि यूनिट नंबर 4 से आप हाथ के हाथ याद करें। उसका रीजन ये है कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यू हैव टू कवर 14 चैप्टर्स, 14 चैप्टर कवर करने भाईजान, और 14 चैप्टर को कवर करना आसान काम नहीं है। ये 14 चैप्टर की सिर्फ नाम याद कर लो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ 14 चैप्टर के नाम याद कर लो ना सीरीज से, बहुत बड़ी बात है। 14 चैप्टर, फिर उन 14 चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर के अंदर 10, 8, 9, 10, 15 टॉपिक्स, फिर हर चैप्टर के अंदर 15, 16, 20, 9, 10 न्यूमेरिकल्स, फिर एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट। यकीन मानो जब एंड का टाइम आएगा ना बोर्ड के पेपर के वक्त, जब 2-3 महीने रह जाएंगे, उस वक्त समझ ही नहीं आएगा कि क्या छोड़ें, करें क्या, किसको छोड़ दें, किसको कर लें। और पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ का सबसे क्रूशल स्टेज चल रहा है तुम लोगों का, द मोस्ट क्रूशल स्टेज ऑफ एजुकेशन करियर, फर्स्ट ईयर। उसका रीजन यही है कि फर्स्ट ईयर के बिहाफ पे ही आपका यूनिवर्सिटी का क्या हो रहा होता है, एडमिशन हो रहा होता है। सेकंड ईयर तक आप लोग मेच्योर हो चुके होंगे, सीनियर, मतलब सीरियस हो जाओगे पढ़ाई में, लेकिन उस वक्त सीरियसनेस का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपकी परसेंटेज गिरा चुकी होगी। अल्लाह ना करे ऐसा आप लोगों के साथ हो। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स बैठे हैं बहुत सीरियस हैं, आप लोगों की खामोशी बताती है कि कितने तरीके से आप लोग पढ़ लो। अब ये है कि हम यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पीछे से याद करते हुए आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे यूनिट नंबर 2 का कंप्लीट बैकअप शेयर कर दिया था, ऐसे ही मिसने शेयर कर दिया था आप लोगों के ग्रुप पे। तो यूनिट नंबर 2 तो लाइन से जितने भी लेक्चर्स हैं सब शेयर किए हुए। यूनिट नंबर 2 में कोशिश कीजिएगा कि सारा कवर ना कर पाओ ना तो 3 टॉपिक जरूर कवर कर लेना, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड वाला, और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाला। यूनिट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। ये 3 टॉपिक जरूर कवर करना, लेक्चर में से ढूंढ लेना। लेक्चर में तो इस तरह से होंगे जैसे ये पहला लेक्चर, इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर का, इसमें बातें ज्यादा करूँ, पढ़ा कम रहा हूँ, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। लेकिन उसमें ये यूनिट नंबर 2 में ये 3 टॉपिक जरूर करना। यूनिट नंबर 3 में 2 टॉपिक जरूर करना, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन वाला, ठीक है। तो ये आपके पास जो टॉपिक्स हैं इनको जरूर कीजिएगा। अब आज हम यूनिट नंबर कौन से स्टार्ट कर रहे हैं, 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं यूनिट नंबर 4 में हमें क्या क्या कुछ करना है। बेटा यूनिट नंबर 4 में जो सबसे पहला टॉपिक है वो आप लोगों ने पढ़ना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले कंटेंट लिख लिए पूरा कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरे नंबर पे जो टॉपिक आपने डिस्कस करना है वो टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। जिन बच्चों का काम भी इनकम्प्लीट है ना, तरीके से रजिस्टर निकालें, आज से काम कंप्लीट करना, तरीके से शुरू कर दें ताकि लाइन से आप लोगों का काम हुआ वो एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे पहला टॉपिक होगा, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके बाद आप पढ़ेंगे एक डेरिवेशन आती है वी इजिकल टू आर ओमेगा एंड ए इजिकल टू आर एल अल्फा, ये डेरिवेशन है। उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद आपके पास जो टॉपिक आएगा उसका नाम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्बिटल
वेलोसिटी देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद आपके पास टॉपिक आएगा एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये काफी बड़ा चैप्टर है लास्ट चैप्टर के मुकाबले में। लास्ट चैप्टर में सिर्फ दो तीन ही टॉपिक थे। एंगुलर मोमेंटम और साथ में इसका एक लॉ आता है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और फिर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का टॉर्क, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसके बाद लास्ट टॉपिक टॉर्क। सो फाइनली आपके पास ये जो चैप्टर है उनमें इन टॉपिक्स ने आपको आपने इन टॉपिक्स को क्या करना है, डिस्कस करना है, पढ़ना है या फिर समझना है। अच्छा इंपॉर्टेंट भी सुन लें, इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो एक तो ये वाला होता है, सेक्शन बी के लिए डेरिवेशन आती है इसकी, ये वाला टॉपिक नहीं छोड़िएगा। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम और उसका लॉ का जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये उन बच्चों के लिए कि जो वो बच्चे होते हैं ना कि बस पास हो जाए अल्लाह वास्ते पे काफी हमारे लिए। तो ये आपके पास ये तीन टॉपिक ना इंपॉर्टेंट हैं, यानी ये एक स्टेज आएगा अभी आगे आप में से कुछ बच्चों का, कुछ बच्चे तो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे एंड में पता है क्या करेंगे, अभी तो जज्बा होगा बस पूरी तैयारी करनी है, आग लगा देना, बहुत अच्छी तैयारी करनी है। फिर एक वक्त आएगा थोड़े दिन गुजरने के बाद कि बस यार अब ना सारे चैप्टर की करेंगे लेकिन ना अब बहुत अच्छे से करेंगे और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करेंगे। फिर एंड में आएगा इंपॉर्टेंट को भी छोड़ो, बस किसी तरह वो क्वेश्चन कर लें जो सेक्शन सी निकालते। फिर एंड में एक वक्त आएगा अल्लाह करके कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाए कि बस पेपर निकल जाए। तो डिमांड जो है ना, जैसे एक वक्त होता है कि लड़के की डिमांड होती है कि मुझे चांद जैसी दुल्हन चाहिए, फिर उसकी थोड़ी सी उम्र जब गुजरती है ना, थोड़ा वक्त गुजरता है तो फिर वो कहता है चलो चांद जैसी दुल्हन ना हो लेकिन अच्छी लड़की हो, दिखने दिखने में खूबसूरत हो बस। फिर थोड़ा सा और अब आगे मामला निकल जाता है, एज गुजर जाती है तो फिर ऐसे ऐसे ना डिमांड हल्की हल्की क्या होती रहती है, कम होती रहती है। और फिर एक वक्त आता है पता है क्या, बस लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, लड़की हो जिंदा हो अपने लिए काफी है, ठीक है ना। तो नॉर्मल तो पे ये जो डिमांड होती है इसी तरह जो आपका वो होता है ना एम के तबाही मचा देंगे, तीर मार देंगे, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, शुरू से याद करेंगे, आखिर तक याद करेंगे, ये सारे जज्बे फिर एक वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं एहतियातन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दे रहा हूँ कि भाई तीन टॉपिक्स हैं, पहले जब चैप्टर याद कीजिएगा तो इन तीन टॉपिक को जरूर याद कर लीजिएगा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। बाकी टॉपिक सारे ही आते हैं, जाहिर सी बात है सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे टॉपिक कोर्स का पार्ट है तो आपने पढ़ने, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दी कि ज्यादातर पेपर में ये वाले टॉपिक्स आते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर चैप्टर का आके इंट्रोडक्शन तो खत्म हो जाता है, अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ जाएंगे और फर्स्ट टॉपिक से अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने? अच्छा भाई बात सुनो, पिक्स वगैरह लेने के बजाय ना, हेलो सेल्फी सरकार, ये ना पिक लेने कोई फायदा नहीं है, ये पूरी अपलोड हो जानी है अभी वीडियो, ठीक है। तो वीडियो में देख के स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आइंदा क्लास में मेरे मोबाइल मत निकालना। आप ये करो छोटा सा काम कि इसको राइट डाउन कर लो, ये राइट डाउन करोगे ना ऐसे से वरना मोबाइल में पिक भरी पड़ी रह जाएगी, लिख नहीं पाओगे। तो लिखने की आदत बनाओ, और अगर बिल फॉर सपोज करो लिखने की वो होते हैं ना कि यार नजर नहीं आ रहा मुझे या नहीं लिख पा रहा हूँ, कोई भी मसला है तो ये सारी ना रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाती है, तो आराम से घर पर बैठ के कंप्लीट कर लेना, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है चलो। लेकिन तमाम बच्चे ना प्रॉपर रजिस्टर में लिखा करें, पिक्स नहीं लिया करें बोर्ड की, डन हो गया भाई। अब पहले टॉपिक की हेडिंग डाल दो, फर्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्टार्ट।